back to my channel. I'm Sonali and I'm here with another vlog. अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है आप लोगों को सारी पसंद आ रही है और आप उन्हें देखना काफी इंजॉय कर रहे हैं गाइज. बट देयर इज अ वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज. काफी ज्यादा व्यूज तो बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स वही हैं. तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको अच्छी अच्छी अनदर वीडियोज और अलग अलग टाइप की वीडियोज देखने को मिले. सो या गाइज, सो गाइज आज की वीडियो है अबाउट ज्वेलरी कलेक्शन. टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं ज्वेलरी कलेक्शन बताने वाली हूँ अपनी. गाइस ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा मेरे पास कलेक्शन हो चुकी है और मैं एक दिन सोच रही थी कि इसका क्या किया जाए. एक्चुअली मैं क्या करूं मैं इतनी ज्वेलरी का, आई मीन क्या. सो गाइस मैंने सोचा कि वाई नॉट शेयर विद यू गाइज अबाउट माई कलेक्शन सो दैट आप लोगों को भी ये वीडियो काफी रिलेटेबल लगे और आप लोगों को काफी मजा आए इसे देखने में. सो लेट्स बिगिन. सो ज्वेलरी में मेरे पास ज्यादातर इयररिंग्स ही हैं गाइस, क्योंकि मैं ज्यादा नेक पीस और ये वेयर नहीं करती हूँ. बट मैंने काफी मतलब एक दो पेयर्स मंगवाए हैं टू ट्राई आउट कि मेरे पे कैसे अच्छे लगते हैं. सो जब वो आ जाएंगे देन वो भी मैं आपको शो कर दूंगी. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट. सो दीज आर द झुमकास, वेरी प्रिटी राइट. दीज आर द झुमकास, वेरी अच्छी फिनिशिंग है गाइस, बहुत अच्छा है. जब आप इसको वेयर करेंगे ना इंडियन सूट के साथ तो काफी अच्छे जचेंगे आप लोगों पे. और या अगर मैं आपको बताऊंगी वीडियो में तब तो आपको अच्छे लगेंगे. बट गाइस आप लोगों को लेने चाहिए, काफी अच्छे अच्छे लगेंगे अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो. मेरे को तो काफी अच्छा लगे. सो ये गाइस मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था, अराउंड 2 to 250 का आया है ये. सो या आई थिंक इट्स गुड. सो हियर्स अनदर वन गाइस, दैट्स वेरी प्रिटी ना. यस गाइस जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना माय आईज इज लाइक यस आई वांट दिस. और मैंने दिवाली से एक्चुअली एक दो दिन पहले लिया था ये. सो एक तरह का दिवाली गिफ्ट था मेरे लिए. तो मैंने पिछले साल लिया था ये, अराउंड 150-200 बक्स का था ये. सो यस प्रिटी गुड पीस. लेट्स मूव विद अनदर वन गाइस. दिस मल्टी कलर इयररिंग्स ना, एक्चुअली दैट्स नॉट माई थिंग बट मुझे लगा लेट्स ट्राई आउट विद अनदर पेयर ऑफ ज्वेलरी. काफ़ी सुंदर सी लग रही थी. एक्चुअली हम लोग जो इंडियंस हैं ना वेडिंग्स में जाते हैं काफ़ी कलरफुल सूट होते हैं बट हम लोगों को उनके साथ ज्वेलरी उनके साथ क्या वेयर कर जाए कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है गाइज. सो ये मल्टी कलर इयररिंग्स काफ़ी आजकल मदद करने वाले हैं. जैसे आपकी फुलकारी होगी किसी भी सूट के साथ आप वेयर कर सकते हैं. सो ये भी वैसी टाइप की होगी गाइज. सो या दिस अनदर पेयर लाइक हुप्स गाइज. काफ़ी यूट्यूबर्स और जिनको मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने काफ़ी हुप्स की फोटो डाली हुई थी बट गाइज उनके साइज छोटा होता है बट वो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला नहीं. तो मुझे ये बड़ा दिखा और ये भी काफ़ी अच्छा था गाइज और ये मुझे 50 बक्स में मिल रहा था. सो आई डोंट थिंक ट्वाइस. सो या गाइज दिस झुमका, लुक एट दिस मिरर झुमकास गाइज, क्रेजी ना.
एक्चुअली ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये काफी कवर करता है कान को, तो काफी मतलब देखने में भी ऐसे आपकी स्टेटमेंट से इयररिंग लगेगा, आप इसको डालोगे ऐसे करके, तो काफी अच्छी सी यू नो रॉयल वाइब आएगी आपके साथ. सो या दैट्स कूल नो. सो या ये भी मुझे आई थिंक 100-150 बक्स में पड़ा था. सो काफी कूल है गाइस. और ये है अनदर पेयर ऑफ ज्वेलरी. गोभी अभी बोलना है. अरे भैया नहीं लेनी है गोभी काजर हमें. गाइज आई एम सॉरी अगर आप लोगों को भी ऐसे पीछे की हिंड्रेंस इतनी ज्यादा आपको तंग कर रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो या अनदर वन ज्वेलरी. दिस गाइज That's crazy. Another awesome piece. ये भी मुझे 100-200 बक्स में पड़ा था. मोस्टली इतना ही होता है 22 या 15 के मार्केट से, या पंचकुला के मार्केट से ले लो. इन होल इनकी मार्केट में अराउंड 100-150 तक अगर आपको ज्वेलरी मिल रही है, सो यू हैव टू बाय इट, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी होगी. अगर अच्छी है तभी लोगे, और पर इससे ज़्यादा अगर आपको महंगी दे रहे हैं, सो यू शुडंट गो देयर, बिकॉज वो कदम उनके प्राइस बढ़ा देते हैं. बट गाइस वो इतने प्राइस का होता नहीं है, वो कम प्राइस के इसको होते हैं. सो या ओ माय गॉड दिस इज द मास्टरपीस गाइस. लुक एट दीज चुमकास गाइस. देयर इज अनदर क्रेजी स्टेटमेंट इयररिंग्स गाइस. एक्चुअली कृति सेनन ने किसी फोटोशूट में और किसी इंटरव्यू में डाले हुए थे, और इंटरव्यूअर्स और काफ़ी यूट्यूबर्स में भी इन लोगों की इयररिंग्स की काफ़ी डिमांड थी. सो मैंने सोचा चलो लेट्स बाय दीज. और ये काफ़ी मैंने इन दोनों को इंस्टाग्राम स्टोर से ही बाय किया था इन दोनों को. सो ये गाइस ये भी मुझे 150-200 तक पड़ गया था गाइस. सो या आई एम हैप्पी विद दैट. सो गाइस दिस प्रिटी ऑसम गाइस राइट. एक और गाइस, पर एक और रीजन है मुझे इन चुमकास को खरीदने का. सो ट्रस्ट मी गाइस, ये काफी आप पहन के देखोगे, ये काफी इंडियन वेयर्स के साथ काफी कूल लगेगा. बट वन मोर थिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं इनका प्राइस कितना है? सोचिए सोचिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी. ओनली 50 रुपीज गाइज, ओनली 50 रुपीज. सो आई वाज लाइक डूड दिस इज ग्रेट एंड दिस मेक्स माई डे. सो देयर इज अनदर हूप्स गाइज, लुक एट द शाइनीनेस. ओ माई गॉड, ये तो मैंने जब एक्चुअली गाइज मेरा एक साथ ये हमेशा हो चुका है ऐसा कि जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ या कुछ चीज़ बाय करती हूँ, सो उससे पहले ही मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि इसको मैं किसके साथ वेयर कर सकती हूँ, कैसे वेयर कर सकती हूँ. शाइनी थिंग्स ना गाइज, आई कैन वेयर विद पार्टी ड्रेसेस और इंडियन ड्रेसेस टू. यू शुड ट्राई दीज. सो गाइज यस अनदर पेयर ऑफ इयररिंग्स. लुक एट द टेक्सचर गाइज, लव यू. That the statement earrings I also got from Sheen, उसके ban होने से पहले of course. So, but then, I don't know why many earrings पहले क्यों नहीं पहने. But with another jewelry, these masterpiece guys. Also I get it for 50 rupees. That's pretty basic, right? So yeah, also I got it for 50 rupees. Pretty cool, right? So guys, the chumkas. ये एक मैंने काफ़ी पंजाबी लड़कियों को पहनते हुए देखा है सूट के साथ, सो काफ़ी प्रीटी लगेंगे ये. सो ये मैंने 50 रुपीज में लिए थे शिमला से, काफ़ी कूल थे. तो ये भी मैंने 22 की मार्केट से लिया है, और काफ़ी अच्छा पीस है ये. So guys, there's another bohemian jewelry. I get it from 22 market. Man, I have problem guys.
इतनी सारी ज्वेलरी का क्या करूंगी, बट आई लव माई कलेक्शन गाइस, ट्रस्ट मी, एंड आई डू लव माई ज्वेलरी टू. आई नो यू गर्ल्स ऑल्सो हैव सो मेनी कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी. इफ यू डू, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कैसी कैसी ज्वेलरी कलेक्शन है, और मेरी और आपकी ज्वेलरी कलेक्शन सेम है भी या नहीं, और एम आई द क्रेजी पर्सन और दिस इज द गर्ल्स स्टाइल. सो देयर इज अनदर ब्यूटिफुल इयररिंग्स विच आर मेरी एक्स रूममेट ने मुझे दिए थे. इफ यू वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच गर्ल, यू गॉट इट राइट. सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, छोटू छोटू इयररिंग्स, एक्चुअली गाइस ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पे, और आई यूजली वेयर इट फॉर माई ऑफिस, और सूट के साथ तो काफी अच्छे लगते हैं ये. यू मस्ट ट्राई दीज. सो एंड दिस इज द बोहेमियन ज्वेलरी, मम गॉट इट फ्रॉम मी, फ्रॉम सरोजनी दिल्ली. सो मेरे मामा जी वहाँ रहते हैं, तो मेरी मम्मी काफ़ी मतलब एक दो टाइम गए थे वहाँ. सो मैंने बोला था कि मुझे ज्वेलरी चाहिए, सो मैं ये लेके आया मेरे लिए. सो स्वीट ऑफ हर. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इतने ज़्यादा व्यूज बढ़ाने के लिए गाइज. बट इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, तो यू नो द ड्रिल गाइज, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे कैसे कैसे वीडियोज और बनानी चाहिए. सो या हैव फन. और यस गाइज, ये जो साथ में दो वीडियोज दिखाई दे रही है ना आपको, इनको भी व्यू कीजिए, काफ़ी अच्छी हैं. सो या